कन्या महाविद्यालय एनएसएस की छात्र आज आप सभी के सामने एक नुक्कड़ नाटक लेकर प्रस्तुत है, जो यह हमें संदेश देना चाहता है कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। दृश्य एक, गुड़िया का घर। पता नहीं क्यों अभी तक प्रीति दीदी आई नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो मैंने प्रीति दीदी को सारी बातें बताई थी घर वालों से छुप कर। अगर आज प्रीति दीदी नहीं आई तो आज तो मेरा गोना होना तय है। गुड़िया, ऐसे मुंह लटका के ना बैठ, लड़के वाले आते ही होंगे। हाँ, कम से कम तू तो मुझे समझ, मैं तो अभी 12 वर्ष की हूँ। हाँ तो छोरिया बरस से नहीं, मिनट और सेकंड से बड़ी हो गए। मुझे भी थारे बापू इसी उम्र में यहाँ लाए थे। माँ, वो समय कुछ और ये समय और है। मैं तो अभी पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ, तो उसका क्या? बस छोरी, की करेगी इतना पढ़ लिख के? पति का दिल कर आज तक पैर से होकर गुजरे है। लेकिन बापू, वो लड़का मुझसे दुगना बड़ा है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो क्या हुआ, घर तजुर्बे से चलता है, औरतों की बकबक से नहीं। लेकिन बापू, वो छोरी अपने माँ के पल्लू की तरह नीचे सिर झुका ले। बापू, वो तो नशा करता है, दारू पीता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। तो क्या हुआ? प्रति दीदी अभी आती ही हो। ए छोरी, अंदर जा। राम सिंह, पूरी तैयारी हो चुकी है, अब हम गुड़िया को लेने आए हैं। बेटी के पिताई के लिए तैयार हो जाइए। नहीं बापू, मुझे नहीं जाना अभी। राम सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, हमारी छोरी क्या कह रही है? नादान है हमारी छोरी, मैं समझा दूंगा। बापू, मैं नहीं जाऊंगी अभी, मुझे नहीं जाना उसके घर। नहीं बापू, चली जा गुड़िया। मैं थारा हाथ जोड़ू चल। नहीं माँ, मुझे नहीं चलना। गुड़िया, थाने मारे से ब्याह करे तो कोई मजाक कोनी, हाथ के चले रोके चलना तो पड़े, वही तो है मेरे साथ। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना है। चले गुड़िया, गुड़िया को चलना तो पड़े, वही छोड़ो उसका हाथ, तुम उसे नहीं ले जा सकते। ब्याह करे हो मैंने लेके तो मैं जाऊंगा। वो अभी सिर्फ 12 वर्ष की, वो पढ़ना चाहती है। ये शादी से पहले बोला था ना। तो क्या हुआ, वो अपना उज्ज्वल भविष्य देखना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती है। पढ़ लिख के क्या करेगी, वैसे भी छोरी रसोई में अच्छी लगती है। तुम्हारे जैसे सोच वाले बटर किस जैसे सोच सकते हैं? ए छोरी, तू ज्यादा बकबक ना कर, ये हमारा गांव से, यहाँ पर हमारा कानून चलता है। मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। कोर्ट के ऑर्डर? हाँ, ये देखो। अरे ये कोर्ट के ऑर्डर? अरे ये तुमने क्या किया? कोर्ट में मिलते हैं। चलो ठीक है, कोर्ट में मिलते हैं। राम सिंह, फिर क्या सोच रहे हो? देख रहे गुड़िया, चले जा, ये गांव वाले हमको ताने देंगे। बेटा, मेरी इज्जत का सवाल है छोरी, बाबू साहब की इज्जत का। गुड़िया चली जा छोरी, चले जा। राम सिंह, फिर क्या सोचा है तूने? तैयार हमारी छोरी, ले जाओ। चलो बेटा। बहू, ये क्या कर रही है? सारा घर का काम पड़ा है, वो कौन तेरी माँ के करेगी, उनके काम कर जाके। नहीं होता घर का काम। उठो जाओ, काम कर हेल्ली। भाभी, मेरे लिए टिफिन तैयार करो, मुझे स्कूल जाना है। ये क्या, आपने रोटी अभी तक नहीं बनाई? ये कैसी रोटी बनाई? और आधी कच्ची आधी जली, अच्छे से रोटी बनाओ मेरे लिए। गुड़िया, इतना पुलटका के क्यों बैठी हो? घर का काम नहीं होता है। घर का काम नहीं होता तो मैं समझ कि तुम ये कहो कि घर का काम नहीं होता है। बहू की जिम्मेदारी अपने सास ससुर की सेवा करे, अपनी नंद की सेवा करे। ऐसे कैसे नहीं होता, कब होगा? बहू, चाय ले कर। क्या हो गया?
ये क्या हुआ है इन्हें? सदियों से जो परंपरा चली आ रही है बाल भी को होए को तो होए को। ये कैसा है तुम्हारा? अभी ये कुछ बच्ची हो गई, बच्चों को कैसे जन्म दे सकती है? हमने आपके पास जिसके लिए लाए हैं वो काम करो और हमें घर जाने दो। पर ये मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये इनके लिए और इनमें इनके पेट में पलने वाले बच्चे के लिए दोनों के लिए खतरनाक है। आपका काम करो, हमें घर जाने दो। ठीक है, मैं दवाई लिख देती हूँ, इनका ध्यान रखना। ठीक है, चलो गुड़िया। चार गुड़िया का ससुराल। नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया जिसमें हमारी थीम थी बाल विवाह को रोकना। तो बच्चों के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं के द्वारा एक नुक्कड़ नाटक प्रदर्शित किया गया है जिससे ग्रामवासियों को एक मैसेज दिया गया है जिससे कि बाल विवाह को रोका जाए और एक हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी सभी को अवगत कराया गया है जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ होता है बाल विवाह से रिलेटेड तो आप कॉल करके बता सकते हैं। बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, ना करना है और ना होने देना है। नमस्कार। विद्यालय सिवनी मालवा में आज NSS के द्वारा एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया जिसकी थीम थी बाल विवाह को रोकना, जिसमें कि बताया गया बाल विवाह होने से किस प्रकार के उस जो लड़की के साथ अन्याय किया गया है उसके ऊपर जिस तरीके का असर किया गया है उसकी अदा मृत्यु भी हो जाती है। तो
हमें कोशिश करना है कि बाल विवाह नहीं करें, अन्यथा उस जिस लड़की की शादी होती है उसकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ हमें ये नहीं करना चाहिए, उसको अपने सपनों को पहले पूरा करना चाहिए, उसको अपने पैरों पर खड़े होने देना चाहिए, उसके बाद ही जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो ही उसकी शादी करवानी चाहिए उसकी अपनी मर्जी से। मैं ऐश्वर्या पुरोहित शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मैं ये संदेश सभी को देना चाहती हूँ कि ये जो बाल विवाह आजकल चल रहा है उसे नहीं होने दें, क्योंकि ये कानूनी अपराध है। इससे कि हमारी बेटियों का मतलब डेथ हो जाती है उन लोगों की, इसलिए बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाएं, बाल विवाह नहीं होने दें, और उन्हें बेटियों को अपने सपने पूरे करने का पूरा हक है, और ये बाल विवाह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी सही नहीं है।